हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस वेक्टर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ़ द वेक्टर v1 एंड v2 आर गिवन बाय, आपको वेक्टर जो v1 तथा v2 है ये आपको वैल्यू दी गई है। जैसे यहाँ पे v1 इक्वल टू दिया गया है 3x प्लस वाई आई कैप प्लस 2y माइनस जेड जे कैप प्लस अल्फा एक्स प्लस जेड के कैप, तथा v2 वेक्टर आपको दिया गया है साइन वाई प्लस जेड आई कैप प्लस यक्स कॉस वाई माइनस जेड जे कैप प्लस यक्स माइनस वाई के कैप। ये वैल्यू आपको v1 तथा v2 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सो डैट वेक्टर जो v1 है, यहाँ पे v1 इज सॉलिनॉइड, आल्सो सो डैट जो v2 है रोटेशनल वैक्टर है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए v1 इज अ सोलेनॉइड अगर, तो यहाँ पे डेल्टा इंटू v1 वेक्टर ये इक्वल होता है 0 के। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा की वैल्यू हम आपको बता चुके हैं। ये वैल्यू जो होती है, देखिए यहाँ पे हम डेल्टा की वैल्यू क्या रखे हैं, d अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस d अपॉन डी वाई जे कैप प्लस d अपॉन डी जेड के कैप। ये हमारी डेल की वैल्यू होती है जो कि वेक्टर फॉर्म में है, और यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में जो i v1 की वैल्यू दी गई थी उसे हम लिए हैं। v1 की वैल्यू जो हमारी दी गई थी ये है, ये इक्वल किसके है, ये इक्वल वैल्यू है जो हमारी, ये 0 के इक्वल है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, अर्थात इसमें हम क्या कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखिए वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे देखिए ये 3x हो जाएगा। हम इसे यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ऐसे हम यहाँ पे अगर करेंगे तो डी अपॉन डी वाई ये वैल्यू टोटल हो जाएगी डी वाई माइनस जेड, ये जो जे की वैल्यू है, और यहाँ पे देखिए डी अपॉन डी जेड और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी टोटल जेड के रिस्पेक्ट में। अब देखें यहाँ पे हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, था डी अपॉन डी एस का मतलब क्या है, यक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे। तब देखिए इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को हटाते हैं, ये वैल्यू हमारी इतनी आ रही है। अब देखें यहाँ पे हम, अब यहाँ पे देखिए हम डेल इंटू v2 ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसे हम डेल को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, अर्थात हमें यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाना है, तो इसके लिए क्या होता है आई जे कैप और के कैप। यहाँ पे जो वैल्यू डेल की है, था डेल की वैल्यू क्या थी, डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी वाई, यहाँ पे क्या थी डी अपॉन डी जेड। ऐसे अगर देखा जाए जो v2 की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में दी गई थी, v2 की वैल्यू जो हमारी क्वेश्चन में थी वो i कैप वाला वैल्यू था साइन वाई प्लस जेड, तथा dy अपॉन ds की कैप का जो वैल्यू था वो क्या था, ये वैल्यू था आपका x cos y माइनस जेड, और इसकी जो वैल्यू थी यहाँ पे हम लिख रहे हैं x माइनस वाई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे हम इसके साथ लेंगे और ये वैल्यू इसके का साथ लेंगे, अर्थात हम यहाँ पे ये जो वैल्यू एक्स माइनस वाई है वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसे इसको हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, प्रूव डैट डेल डब्ल्यू इंटू डी आर वैक्टर ये इक्वल है डी डब्ल्यू के। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी गई है वो आर का मान क्या होता है, आर वैक्टर इजकल टू होता है यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ये वैल्यू आर की होती है। अगर हम यहाँ पर डी आर लिखें, डी आर मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे डी का इंटू करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, इस ये पूरी वैल्यू में हम डी का इंटू कराएंगे, थर्ड डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब हम आपसे यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डी आर की वैल्यू फाइंड हो गई, यहाँ पे हमारी हमें डेल डब्ल्यू की वैल्यू पूछा है, तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू देखिए हम कैसे निकालते हैं, डेल का मान क्या होता है, डेल का मान होता है डी अपॉन डी एक्स आई कैप, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं इसलिए, प्लस डी अपॉन डी जेड डी वाई जे कैप और प्लस डी अपॉन डी जेड के कैप, ये हमारी वैल्यू डेल की होती है। अब इसमें W का मतलब क्या है, W का इसमें इंटू हुआ है, अब आप जब इसमें W का इंटू कराएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड के कैप, ये हमारी सॉरी यहाँ पे ये उल्टा ऐसे बनता है V का, तो डेल इंटू W की वैल्यू हो गई। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में डेल डब्ल्यू इंटू डी आर की वैल्यू पूछा है, तो डेल डब्ल्यू अर्थात हमें जो वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हुई है इंटू
सॉरी यहाँ पे क्रॉस नहीं है, इनटू का रूल है डी आर वेक्टर। अब यहाँ पे जब हम कराएंगे, ये वैल्यू हमारी टोटल दी गई है, इसमें हम किसकी वैल्यू कराएंगे, इनटू का डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यहाँ पे लिखते हैं हम, देखिए यहाँ पे जब हम इस वैल्यू का इनटू कराएंगे तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे इसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन किस जगह पे लिख रहे हैं, जब आप इसमें गुणा कराएंगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डी एक्स है ये डी एक्स कट जा रहे हैं, डी वाई से डी वाई कट जाएंगे और डी जे से डी जेड, तो हमें ये टोटल वैल्यू डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम कैपिटल डब्ल्यू मान सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखिए ऐसे में क्वेश्चन और लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल इन क्रॉस वेक्टर आर वेक्टर का। अब देखिए आप डेल की वैल्यू भी जानते हैं और आर वेक्टर की वैल्यू जानते हैं, तो यहाँ पे बस हमें उसका क्रॉस कराना है। तो यहाँ पे देखिए हम वैल्यू पुट कर दिए हैं, अब इसे बस हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पे देखिए ये हमारी वैल्यू टोटल जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट जो करना है वैल्यू अलग अलग प्राप्त हो रही है, वाई और जेड की वैल्यू प्राप्त हो रही है, जिसका हम यस के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो वैल्यू जीरो ही आती है। तो इसका जो हमें आंसर आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम और लिए हैं, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस आर वेक्टर, वेयर आपको आर की वैल्यू, यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई है। अब देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस आर वेक्टर इक्वल क्या होता है, हम आपको ये फार्मूला वाले वीडियो में बता चुके हैं कि डाइवर्जेंस आर वेक्टर इक्वल टू होता है डेल्टा आर वेक्टर, ये हमारी वैल्यू होती है। अब हम डेल्टा इंटू आर वेक्टर का मतलब क्या है कि डेल्टा था डी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी वाई, देखिए ये हमारी वैल्यू है। अब हम जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे और यक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखिए हम यहाँ पे टू एक्स क्यू प्लस डी अपॉन डी वाई वाई प्लस डी अपॉन डी जे जेड स्क्वायर, इसे हम यक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी, सिक्स एस स्क्वायर, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू वन आएगी, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू जेड आएगी वैल्यू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिए हैं, हमें प्रूव करना है प्रूव डैट ग्रेड ए स्क्वायर ये वेक्टर फॉर्म है अपॉन टू इजकल टू ए वेक्टर क्रॉस कर्ल ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डेल इनटू ए वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है कि इसके इक्वल है ये वाला वैल्यू हमारी। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी की यूज करेंगे, प्रॉपर्टी क्या है कि ग्रेड ए इंटू वी वेक्टर क्या होता है, ये होता है वी वेक्टर डेल इंटू ए वेक्टर प्लस ए इंटू डेल बी वेक्टर प्लस बी इंटू कल क्रॉस है वी क्रॉस कल ए वेक्टर प्लस ए क्रॉस कल वी वेक्टर, ये प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन आप हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा वी वेक्टर है अर्थात जो हम यहाँ पे वी वेक्टर ले रहे हैं वो क्या है, ये ए वेक्टर के, देखिए यहाँ पे वी वेक्टर है ये इक्वल है ए वेक्टर के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेड ए वेक्टर की जगह पे हम वी वेक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे, ए वेक्टर, ये इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर इंटू डेल ए वेक्टर, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे वी की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, ए वेक्टर रख रहे हैं, तो ये टोटल वैल्यू वी की जगह पे हमारी वैल्यू ए वेक्टर हो जाएगी प्लस ए वेक्टर क्रॉस कर्ल ए वेक्टर, और ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर क्रॉस यहाँ पे देखिए कर्ल वी वेक्टर है, लेकिन हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, ए वेक्टर यूज करेंगे। अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू जो हमारी आएगी ये स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए a इंटू ए है तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे टू कॉमन होगा तो a वेक्टर कल यहाँ पे a वेक्टर प्लस टू इंटू ए वेक्टर क्रॉस कल a वेक्टर हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। अब देखिए हम टू को इधर भेजें तो ये क्या हो जाएगी, वन अपॉन टू हो जाएगी, अर्थात हम ये हमारी आंसर, ये हमारा आंसर इतना प्राप्त होगा जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या आया है, ग्रेड ए स्क्वायर अपॉन टू इजकल टू ये हमारी वैल्यू आई है, जो कि हमारी वैल्यू यहाँ पे भी वही आई है, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमें जो प्रूव करना था क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम और लिए हैं, क्वेश्चन क्या है कि ए वेक्टर आपको दिया गया है, यहाँ पे आर वेक्टर अपॉन आर है, ये आर वेक्टर है, देन फाइंड द ग्रेड डाइवर्जेंस ए वेक्टर, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर हमारा यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ये हमारी आर वेक्टर की वैल्यू होती है। अब आप अगर हम पूछे आर की वैल्यू क्या होती है, तो आर ये इक्वल होता है मॉड ऑफ आर वेक्टर का, और मॉड ऑफ आर वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, इसी का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं अर्थात एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए वेक्टर है ये इक्वल है आर वेक्टर अपॉन आर के, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम यहाँ पे पहले ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आर वेक्टर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ये वैल्यू जो हम निकाले हैं यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तथा आर की जगह पर क्या लिखेंगे आप, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू जो है वो आर की जगह पर हम लिखेंगे। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी, नहीं पहले से हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए ए की ए वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है वहाँ पे हमें ए वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रैंड डाइवर्जेंसन ए वेक्टर। तो हम पहले यहाँ पे डी आई वी ए वेक्टर फाइंड करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम डेल इंटू ए वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो डेल इंटू ए वेक्टर क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड के कैप, ये हमारी वैल्यू डेल की होती है। अब ए वेक्टर का मतलब जो हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया था, तो यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जब इसमें हम इंटू कराएंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आती है। देखिए जब आप यहाँ पर गुणा कराएंगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब हम इसे यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे डी अपॉन डी एस का मतलब क्या है, इसे हम यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और डी अपॉन डी वाई का मतलब इसे हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करने पे हमारी वैल्यू क्या आती है, अब देखिए ये हमारी वैल्यू आती है। आप सब इसे यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया गया, आपका यही आंसर आएगा। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए इक्वल हो गया, ये वैल्यू क्या है, टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर वन बाई टू। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में ग्रैंड डाइवर्जेंस ए वेक्टर फाइंड करना था। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे ग्रैंड डाइवर्जेंस ए वेक्टर फाइंड करना, तो ए वेक्टर की जो वैल्यू हमारी ये आई थी और ग्रैंड की वैल्यू ये होती है। अब जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम इसे यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इसे वैल्यू करना है इस वैल्यू को। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको इतना आएगी, माइनस टू ब्रैकेट में यक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू, ये हमारी वैल्यू आएगी जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, अर्थात यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लिए हम, क्वेश्चन क्या है कि प्रूव डैट ग्रैड आर वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये इक्वल है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को। ये आपको क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना है कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल किसके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। और यहाँ आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक कॉन्स्टेंट वेक्टर दिया गया है, ये क्वेश्चन आप सब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें देखिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पर पहले हम आर वेक्टर ए वेक्टर और वी वेक्टर पहले फाइंड करेंगे, फिर हम यहाँ पर ग्रैड आर वेक्टर ए वेक्टर और वी वेक्टर याद करेंगे। देखिए इसे हम थोड़ा बता देते हैं कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तथा ए वेक्टर हम मानेंगे, ए वेक्टर हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं गया था लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिए हैं ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री और वी की जगह पर ऐसे ही हम बी वन बी टू बी थ्री लिए हैं। अब हमें आर वेक्टर ए वेक्टर और वी वेक्टर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम इसके लिए देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से ऐसे निकाले हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड फिर यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री और बी वन बी टू बी थ्री। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आएगा, सॉल्व करने आपकी यही वैल्यू आएगी। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ग्रैड आर वेक्टर ए वेक्टर और वी वेक्टर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही जो वैल्यू है इसे हम आई जे और के कैप फिर इसे हम यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्योंकि ग्रैड में क्या होता है, ग्रैड में हमारा होता है आई डी अपॉन डी एक्स प्लस जे डी अपॉन डी वाई प्लस के डी अपॉन डी जेड, और ये हमारी वैल्यू इंटू कराएंगे यहाँ पे, जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है। जब इसका हम इंटू करा के यस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी वो जितना आएगा उसका हम फिर ज्ञात करेंगे ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वही हमारा इसका आंसर होगा। अब हमसे इसके इक्वल दिखाया यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला कि ये जो ग्रैड आर वेक्टर ए वेक्टर और वी वेक्टर है ये इक्वल किसके है, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के। तो हम यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे हम निकालेंगे इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ए क्रॉस वी वेक्टर, ए क्रॉस वी मतलब ए की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, वो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर और इस आंसर के इक्वल हो जाएगा। अतः हम यहाँ पर ऐसे प्रूव कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप इसे सॉल्व जरूर कीजिएगा क्योंकि जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन सभी बताए हैं वैसे ही क्वेश्चन ये भी सॉल्व होगा। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो, अब कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा, मैं सभी के कमेंट्स रीड भी करती हूँ और देखती हूँ कि मतलब किसका सही है किसका गलत।